आप देख सकते हैं बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद द्वारा यहाँ पे हनुमान चालीसा मौजपुर में की जा रही है चौक पे, और ये सामूहिक हनुमान चालीसा है जिसमें बड़ी संख्या में यहाँ रोड पे मौजपुर चौक पे ये हनुमान चालीसा हो रही है। और संख्या बल देखिए, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग हैं, और उतने ही बजरंगी, उतने ही BHP के कार्यकर्ता, संघ के कार्यकर्ता सब यहाँ मौजूद है। और ये वही चौक है जो अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे लोग दंगों के लिए पहचानते थे, मगर आज यहाँ पे हनुमान चालीसा और इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और सभी कार्यकर्ता और सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं बहुत से लोग यहाँ आए हैं, दूर दूर से लोग आए हैं। यह मौजपुर चौक का नज़ारा है, आप खुद अंदाजा लगाइए किस तरीके का नज़ारा है। और यह देखिए हर तरफ यह झंडे, यह भगवा लहरा रहा है, आप खुद सुनिए किस तरीके से यहाँ पे चल रहा है कार्यक्रम, और हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा है। क्षेत्रवाद को छोड़ करके धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए एकजुट रहिए, नहीं तो ये लोग क्या परिस्थिति कर देंगे आप जानते हो। अभी केरल पे एक फिल्म बनी
वो फिल्म यथार्थ है, उसको देखना चाहिए और हमें अपनी बहू बेटियों को समझाना चाहिए। हम कहाँ जाते कहाँ नहीं जाते, हमारी बेटी ट्यूशन पढ़ने जाती है और पढ़ाने वाला है कि कोई और है, ये हमें ध्यान पढ़ना पड़ेगा। घर में बैठ करके परिवार के साथ समाज के साथ उस फिल्म को देखना। कश्मीर में जो फिल्म बनी तो हो चुका था, केरल में जो बनी है हो रहा है, दिल्ली में भी हो रहा है, उसे रोकने का काम बजरंग दल करेगा। बजरंग दल का काम है राष्ट्रद्रोह को रोकना, धर्मद्रोहियों को रोकना। ये काम बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के हाथ में है, इसलिए आइए हम सब लोग श्रेष्ठ बने, ज्येष्ठ बने, महान बने। आज आप लोगों ने सामूहिक हनुमान चालीसा दिल्ली में किया, इसको कैसे देखते हैं? हाँ, दिल्ली में ही हनुमान चालीसा नहीं, पूरे देश भर में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है। और जो कांग्रेस ने जिस प्रकार से बयान दिया गया, घोषणा पत्र में अपने जारी किया गया बजरंग दल पे बैन लगाने का, और हमारी तुलना PFI से की गई, क्या PFI और बजरंग दल का कहीं से मेल खाता है क्या? बजरंग दल वो राष्ट्रवादी संगठन है जो पूरे देश भर में कार्य करता है, चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप की बात हो या किसी भी अन्य प्रकार से, जब जब समाज को जरूरत होती है बजरंग दल हमेशा समाज के साथ खड़ा होता है। और वो PFI वो संगठन आतंकवादी संगठन है जो लव जिहाद जैसे केस करता है, आतंकवादी घटनाएं करता है, उससे हमारी तुलना की गई है। ये हनुमान जी का अपमान है, ये हनुमान बाबा का अपमान है। और संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुबीरे हनुमान मिल बीरा, तमाम हनुमान चालीसा पढ़ने के तमाम तरीके के संकट गायब हो जाते हैं। इसी प्रकार से जो कांग्रेस नाम का संकट जो पूरे देश में छाया हुआ था, वो धीरे धीरे तो कट चुका है, और जो बाकी बचा संकट है वो भी हनुमान जी इसे उड़ा कर फेंक देंगे। जय श्री राम। बजरंग दल को कहा जाता है कि पार्टी संगठन है, दल है, इसको आप कैसे देखते हैं, सच में ऐसा है? देखिए, आज जो चालीसा की गई, क्या उसमें कोई उत्पात मचाया गया? शांतिपूर्ण तरीके से चालीसा करी गई, हनुमान जी का नाम लिया गया, और ये भी देखिए आपके सामने सभी बजरंगियों ने शांतिपूर्ण तरीके से, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, हाँ जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ इन बजरंगियों को बजरंगबली का रूप धारण करना पड़ता है, क्योंकि हमें आशीर्वाद हनुमान जी का है। जिस तरीके से पर्वत उठा लिया जाता है ना, इस तरीके से इस कांग्रेस को भी उठा के एक कोने में फेंक दिया जाएगा। जय श्री राम। ये जो कांग्रेस है, जब ये नाश की ओर अग्रसर है, क्योंकि जब रावण का नाश आया था तो उसने बजरंगबली जी की पूछ में आग लगा दी थी। इस प्रकार कांग्रेस विलुप्त होने के कगार पे है, और कर्नाटक में चुनाव में जिस प्रकार से बजरंग दल की उन्होंने बैन की बात करी है, तो देश के जितने भी बजरंगी हैं वो सामूहिक संदेश दे रहे हैं कांग्रेस को, और कर्नाटक में इसका असर आपको आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा। जब भगवा उठा के बजरंग बली के, और जब बटन दबेगा भाजपा पे, तो पूरे देश को पता चलेगा कि ये बजरंग दल क्या है और क्या इनकी मानसिकता है, ये सब क्लियर होने वाला है। और आज इसका संदेश बजरंग दल द्वारा पूरे देश में सामूहिक रूप से दिया गया है। PFI का कार्य है कि देश में जितने भी गलत काम हो रहे हैं उन्हें बढ़ावा देना, आतंकवाद को बढ़ावा देना, और बजरंग दल का कार्य है कि देश में अगर कुछ एक चीज भी गलत हो रही हो तो उस गलत को रोकना, और उस गलत को रोक करने वाले को उसे पुलिस के हवाले करना, और गलत काम